देश के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर ग्वालियर में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अम्मा महाराज की छत्री में लोग एकत्रित हुए और उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य दलों के नेता भी यहाँ मौजूद रहे। माधवराव सिंधिया की तस्वीर पर लोगों ने माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने ग्वालियर के विकास के लिए माधवराव सिंधिया के योगदान पर प्रकाश डाला। सिंधिया के सहयोगी रहे बालेंदु शुक्ला, पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, पूर्व मंत्री माया सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। तो वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा भी यहां उपस्थित रहे। आज कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित किए हैं। आज शहर भर में उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, कई उनके सानिध्य में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उनके सानिध्य में हमने बहुत काम किया, उनका आशीर्वाद।